छात्रों आप सभी को विजडम एरा अंतर्जाल शिक्षण पर स्वागत है। आज हम सातवीं कक्षा व्याकरण भाग हम देखते जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे वो किस तरह उपयोग किया जाता है। संज्ञा आप देखते जाएंगे, संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद हम देखते जाएंगे। यहाँ देखिए छात्रों, व्याकरण भाग संज्ञा, संज्ञा मात्र नाउन है। ध्यान देखिए उसकी परिभाषा, यहाँ पर किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एक बार देखिए परिभाषा संज्ञा के, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हमें यहाँ देखिए, राम, हिमालय, गंगा, कोट्टूर, गाय, अच्छा, मीठा, खुश, पुस्तक, दर्द आदि सारे यहाँ देखिए संज्ञा बोले तो जो नाम, नाम बताने वाले सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ परिभाषा के आधार पर हम देखते जाए बोले तो यहाँ देखिए किसी संज्ञा की परिभाषा, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान। व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, अकबर, हेंतनी, रीटा, लता, आशा, नजमा। वस्तुओं के नाम गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। प्राणियों के नाम मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रींच, हाथी, बकरी। भावों के नाम क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास। स्थानों के नाम दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसकी पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा इस तरह है, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की, विशेष व्यक्ति है। यहाँ पर भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है विशेष वस्तु। अतिवाचक संज्ञा परिभाषा, किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। रानी किताब पढ़ रही है, यहाँ पर किताब। बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे, यहाँ कोई नाम नहीं बताया गया। द्रव्यवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुओं बनती है एवं उनका माप तोला किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल। अब समूहवाचक संज्ञा के परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं
उन्हें ये समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा, परिवारा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल आदि। पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। भाववाचक संज्ञा, इसका परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य। जातिवाचक संज्ञा से भी हमें भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। सर्वनाम शब्दों से भी हमें भाववाचक संज्ञा बन सकते हैं। स्वासे, सत्व, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से भी हमें भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। वीर, वीरता, खट्टा, खट्टासा, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, गरमाई। क्रिया शब्दों से भी हमें बना सकते हैं। थकना, थकावट, जीतना, जीत, असाना, असी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिकाई, देखना, दिखावट। ये था संज्ञा के विषय, आप जान लिए हैं। और एक नए विषय के अंदर फिर मिलेंगे। वहाँ तक स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।